हिंडालको और एसीसी जैसे स्टॉक्स ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन अब सबको इंतजार है टीसीएस के नंबर्स का जो शाम 5:30 बजे के आसपास आएंगे। लेकिन ये स्टॉक देखिए आज बेहद कमजोर था और ये सेक्टर भी इसीलिए सबसे ज्यादा प्रेशर में ही था। अविनाश, कल अगर कमजोर ही नंबर्स आते हैं तो आपको क्या लगता है, और दबाव देखने को मिल सकता है ये सेक्टर्स, या आपको लगता है जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी है, बाजार थोड़ा ज्यादा ही कॉशियस हो रहा था? आई थिंक नंबर्स आने के बाद ही हेमंत मेरे ख्याल से एक क्लियरली समझ में आएगा कि टीसीएस ने नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट किया है कि नहीं। लेकिन अगर नंबर्स एक्सपेक्टेशन से ख़राब आते हैं तो कल आपको शायद और थोड़ी बिकवाली अक्रॉस द आईटी सेक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि टीसीए के फ्रंटलाइन प्लेयर है। अगर टीसीएस के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग आते हैं तो सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे एचसीएल टेक है, इन्फोसिस है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी आपको दबाव देखने को मिलेगा। तो आई थिंक लेट अस वेट एंड वॉच। मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट्स में टीसीएस यू नो इन लाइन नंबर्स रिपोर्ट करे, इतने खराब ना हो, लेकिन अगर डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आए तो कल शायद आपको और बिकवाली देखने को। बिल्कुल, दुआ यही करेंगे कि डिसअपॉइंट ना करे स्ट्रीट को, वरना मुश्किल हो सकती है आगे आने वाले दिनों में। एक तरह से यही कहना चाहिए कि आज के दिन ऑफिशियली अर्निंग सीजन की शुरुआत है, क्योंकि टीसीएस जैसा कंपनी